गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज में पहला पार्ट, अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। नेहरू जी लिख रहे हैं कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। 13 अप्रैल 1944 को यह बात वह कह रहे हैं। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। दूज के चांद यानी कि शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, यानी आसमान में चांद दिखाई देने लगा था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो नेहरू जी लिख रहे हैं अपनी जेल के समय में, अपने कारावास में बिताए गए समय में, कि जब भी उन्हें आकाश में चांद दिखाई देता है तो उन्हें यह याद दिलाता है कि उनका एक एक महीना बीतता जा रहा है, और साथ ही चांद इस तरह से दिखाई देने पर उन्हें अपना अस्थाई सहचर या मित्र लगता है, और साथ ही उन्हें यह भी याद दिलाता है कि हमेशा अंधेरे के बाद उजाला होता है, यानी दुख के बाद सुख हमेशा आता है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। नेहरू जी कह रहे हैं कि जब वो दूसरी जेलों में थे तो यहाँ आकर भी उन्होंने अन्य जेलों की तरह बागवानी का कार्य शुरू कर दिया, फूल लगाने का कार्य शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। नेहरू जी लिख रहे हैं कि जो अहमदनगर के किले की जो मिट्टी थी वह बहुत ही खराब थी, बहुत ही पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। अवशेष यानी कि किसी भी इमारतों का मूर्तियों के टुकड़े। चूंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियां देखी हैं। ऐतिहासिक स्थल होने के कारण इसने पुराने समय में बहुत सारे युद्ध देखे हैं इस किले ने, और राजमहलों की दुर्भी संधियां। दुर्भी संधियां यानी कि बुरी संधियां जो बुरे कार्य के लिए की जाती हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई है। नेहरू जी लिख रहे हैं कि जो अहमदनगर का किला है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी जो एक घटना है वह आज भी याद की जाती है। वह है कि एक महिला जिसका नाम था चांद बीबी, उसने बड़े साहस से अकबर के शासनकाल के समय में इस किले की रक्षा की थी।
किंतु बाद में उसी के किसी अपने आदमी ने उसे मार दिया। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। नेहरू जी लिख रहे हैं, जब वह उस किले में थे, बंदी थे, तो उन्होंने वहाँ खुदाई की, तो उन्हें उस खुदाई में प्राचीन दीवारों के हिस्से, पुराने समय के दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों, जो किसी इमारत के ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे गुंबद कहते हैं, वह उन्हें मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। जब उन्होंने खुदाई की, न उनके पास इतने अधिक खुदाई का सामान था और न ही वहाँ के अधिकारियों ने वहाँ की खुदाई के लिए मंजूरी दी। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। नेहरू जी लिख रहे हैं, उन्होंने कुदाल को छोड़ दिया और उसके बदले उन्होंने कलम उठा ली। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। नहीं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। यह नेहरू जी कह रहे हैं कि उन्होंने कलम तो उठा ली, लेकिन वह कह रहे हैं कि वह न तो भविष्य के बारे में लिख सकते हैं और वर्तमान के बारे में भी वह तब तक नहीं लिखेंगे जब तक वह भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं देख सकते। यदि वह लिख सकते हैं तो केवल अतीत के बारे में जो कि बीत चुका है। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। नेहरू जी लिख रहे हैं कि जो उनके पास बचा है अतीत के बारे में लिखने का, उसके बारे में वे लिखेंगे, लेकिन किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह वह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकते। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनके लिखने का मकसद था कि वह जो उनके अतीत का जो बोझ है वह लिख करके वो उसको हल्का कर सकते हैं। गेटे एक लेखक का नाम है जो कि इतिहास से संबंधित लेख लिखते थे। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। अभिभूत यानी कि विचलित करता है, दुखी करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। लेखक कह रहे हैं कि जो दबाव होता है अतीत का, वह अपने आप में बहुत ही दम घोटू होता है, और यह दम घोटू उन लोगों के लिए अधिक होता है जिनकी जड़ें पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे भारत की सभ्यताएं और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजय के उल्लासों का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती हैं, मैं इस सब का वारिस हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें मानव जाति की साझेदारी है। पहले तो नेहरू जी अपने आप से पूछ रहे हैं
कि आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। तो नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वह इन सब के वारिस हैं, विजयों के उल्लासों का, पराजयों की दुखद यंत्रणा का, हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जो युगों पहले से हुई और अब भी जारी है, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप होगा। नेहरू जी यहाँ पे भारत की विरासत के बारे में बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भारतीय लोगों की जो विरासत है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं है।